कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। जिस पार्श्वभूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। आज 21वीं सदी में भी हर सरकार के लिए वही काम मुख्य है जो बाबा साहब कह के गए। उन्होंने क्या संदेश दिया? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने हमें जो मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान को अगर हम शिक्षित बनाते हैं तो बाबा साहब को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी, 125 साल मनाने का वो उत्तम से उत्तम तरीका होगा। पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में किसी प्रधानमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मऊ में श्रद्धांजलि दी। पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर यूएनओ में बाबा साहेब की 125वीं जयंती मनाई गई। पहली बार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया गया, साथ ही इसका विकास भी किया। मध्य प्रदेश में मऊ में जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल के रूप में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में नेशनल मेमोरियल के रूप में महापरिनिर्वाण भूमि का विकास किया। पहली बार 2015 में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सामाजिक न्याय की पहल हुई। न्यू इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंडिया जो अंबेडकर का है, गरीबों का है, पिछड़ों का है।